Hello everyone, welcome to class number 50 of the chapter Discrete Mathematics. आज के क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन के हम और एक तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन. स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन में, उसके बारे में आज के क्लास में हम जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है क्या. स्ट्रॉन्ग इंडक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का ये फॉर्म है क्या, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन. थ्रू दिस इंडक्शन टेक्निक, इस तरह के इंडक्शन टेक्निक को यूज करके, जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन टेक्निक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं चेक कर सकते हैं, वैसे ही इस पर्टिकुलर इंडक्शन मेथड या फिर इंडक्शन टेक्निक को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. ओके, वही बोला है. Through this induction technique, we can prove that a propositional function means एक particular statement को जब हम propositional function में represent करते हैं, एक proposition के form में represent करते हैं, उस function को हम बोलते हैं propositional function. इस particular induction technique के माध्यम से हम ये prove कर सकते हैं कि वो particular propositional function या फिर वो particular statement एक true statement है for all positive integers n. हम जो n लेते हैं स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, n की जगह पर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है बोल के प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग इंडक्शन मेथड को, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का एक फॉर्म है या फिर एक टाइप है. ओके, सो इस तरह के मेथड को यूज करके अगर हम कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट का ट्रू है या नहीं चेक करना चाहते हैं, तो ये फॉलो करता है मेनली दो स्टेप्स जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन भी फॉलो करता था. क्या है वो दो स्टेप, बेस स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप. बेस स्टेप में हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में, एन का वैल्यू वन लेते हैं और चेक करते हैं कि अगर एन का वैल्यू वन लेते हैं उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. ओके, सो स्टेप वन इज इट प्रूव्स दैट द इनिशियल प्रोपोजिशन p ऑफ वन इज ट्रू. तो स्टेप वन में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो इनिशियल वैल्यू हम एन का लेते हैं वन, उसके लिए हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं, वो हम चेक करेंगे स्टेप वन में. अगर वहां पे n का वैल्यू 1 लेने के वजह से हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, फिर हम स्टेप 2 में आएंगे, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव स्टेप, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे, n इक्वल्स टू k एज्यूम करते थे, जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 लेके उसके बाद जो स्टेटमेंट हमें मिलता था वो स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं, वो हम प्रूव करते थे. अगर वो ट्रू होता था, n इक्वल्स टू k प्लस 1 लेने के बाद जो स्टेटमेंट हमें मिला वो स्टेटमेंट अगर ट्रू आता था, वहां पे हम कंफर्म होते थे कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है बोल के. बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट द कंडीशनल स्टेटमेंट p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 एंड p ऑफ 3 एंड p ऑफ 4 अप टू p ऑफ k अगर ट्रू है, देन p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है. तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू लेते थे जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो, और एन का वैल्यू के एज्यूम करके हम स्टेटमेंट का ट्रूथनेस फाइंड करते थे, फिर चेक करते थे स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. बट यहाँ पे हम एन का वैल्यू 1 लेंगे चेक करेंगे, एन का वैल्यू 2 लेके चेक करेंगे, एन का वैल्यू 3 लेके चेक करेंगे, 4 लेके चेक करेंगे, 5 लेके चेक करेंगे, अप टू एन का वैल्यू के तक लेके चेक करेंगे, और अगर हर एक वैल्यू के लिए p ऑफ k और p ऑफ n ट्रू हो रहा है, देन हम चेक करेंगे कि अगर ये सारे ट्रू हो रहे हैं और तब p ऑफ k प्लस 1 अगर लेंगे, n का वैल्यू अगर k प्लस 1 लेंगे, तब भी अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू आता है तब हम कंफर्म होंगे, या फिर तब हम बोलेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंडक्शन. मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते थे, कोई एक भी वैल्यू, एक ही वैल्यू लेते थे, सपोज n का वैल्यू 1 लेते थे और चेक करते थे वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. यहाँ पे 1 के लिए भी चेक करेंगे, 2 के लिए भी करेंगे, 3 के लिए भी करेंगे, 4 के लिए भी करेंगे, 5 के लिए भी करेंगे, अप टू k तक करेंगे, और अगर हर एक n के हर एक वैल्यू के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, देन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में n प्लस मतलब n का वैल्यू अगर हम k प्लस 1 ले लेते हैं तब भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू आना चाहिए, और अगर तब हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ जाता है तो वहां पे हम कंफर्मली बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है. ओके, तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हम इस तरह के इंडक्शन मेथड को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा वेरिफिकेशन करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड. ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या है उसके बारे में आप लोगों को समझ आ चुका है. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. Thank you.